गांववाणी स्टूडियो की टीम आज आप सब लोगों को रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांव की ओर प्रकृति की ओर में आज प्रातः सूर्य उदय के साथ हमने सरिस्का राष्ट्रीय जो वन्य जीव अभयारण्य है वहां हमारी टीम के साथ हमने आज गांववाणी स्टूडियो के इस रविवार विशेष कार्यक्रम में आओ लौट चले गांव की ओर प्रकृति की ओर इस थीम के साथ आज हम आपको सरिस्का के वन्य जीव अभ्यारण के बीच सफारी के साथ जो भ्रमण किया जाता है वो हम आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। हमारी पूरी गांववाणी टीम इस सुबह शनिवार सुबह प्रातः चलकर और इस जंगल के मध्य सरिस्का में जो टाइगर का जो कैचमेंट एरिया है जहां उसकी टेरिटरी है उस क्षेत्र में हम कैंटर के माध्यम से जा रहे हैं। अभी जस्ट आप देखेंगे कि जहां टाइगर आकर और इस जल स्रोत के ऊपर पानी पीने के लिए आता है लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए और यहां जो कैंटर में जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि सुबह के समय यहां जो पैगमार्क जो टाइगर के जो पैरों के निशान थे उसके आधार पर बताया कि सुबह के समय यहाँ पानी पी के और टाइगर आगे की ओर चला गया है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और टाइगर को देखना चाहेंगे कि किस प्रकार टाइगर इस सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में विचरण करता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं सरिस्का के इस कोर जंगल की ओर जहाँ अलग अलग क्षेत्र में इस तरह की जो पर्यटक जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वर्तमान में हर दिन पर्यटकों को टाइगर दिखाई दे रहा है उनकी का रोमांच जो बना हुआ है उनका जो पर्यटन का आने का जो मकसद है वो भी पूरा हो रहा है। आज हमें भी उम्मीद है कि हमें भी टाइगर आज जरूर दिखाई देगा। हम भी कई सप्ताह से प्रयास कर रहे हैं इसी प्रकार लगातार इस वन्य जीव अभयारण्य में विचरण करने वाले वन्य जीवों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के साथ साथ हमने देखा कि प्रकृति के अगर मूल स्वरूप को हम बनाए रखते हैं तो प्रकृति किस प्रकार सभी जीवों को आसरा प्रदान करने के साथ साथ उनकी देखरेख और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करती रहती है। इस प्रकार हमारी जो सफारी है उसके ड्राइवर रास्ते के दोनों तरफ टाइगर के पैर के निशानों को देखते हुए आगे की ओर लेके हमें चल रहा है और उन्होंने हमें बताया कि ये जो सामने आप जल स्रोत देख रहे हैं यहाँ अक्सर टाइगर पानी पीने के लिए आता है लेकिन हमारे सौभाग्य में आज यहाँ टाइगर को देखना नसीब नहीं हुआ। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और लगातार हमारा प्रयास रहा है कि आज जरूर हमें उम्मीद है कि टाइगर हमें यहाँ दिखाई देगा लेकिन काफ़ी लंबा प्रयास करने के बाद भी अभी तक हमें टाइगर नहीं दिखाई दिया। चलिए हम और आगे की ओर बढ़ रहे हैं अपनी टीम के साथ में हमारी जो सफारी है उसके ड्राइवर और साथ में हमारी टीम के जो लोग हैं उन्होंने पास में ही एक जल स्रोत दिखाई दिया है। आगे इस जल स्रोत में हमें बताया गया है कि यहाँ घड़ियाल भी रहते हैं जो मगरमच्छ जिसे हम कहते हैं। तो देखिए हमें ये मगरमच्छ दूर से दिखाई दे रहा है धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ रहा है। अभी भीनी भीनी धूप खिलने लगी है और रात्रि में ठंड रहती है तो ये धीरे धीरे शायद अब किनारे की ओर आकर और धूप में कुछ देर शायद धूप की वजह से किनारे की तरफ बढ़ रहा है। इसी प्रकार के रोमांचक दृश्यों के साथ हम अपनी टीम के साथ आप लोगों को सरिस्का को जाने इस मुहिम के साथ हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी साझा कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे सने सने ये जो मगरमच्छ है पानी में धीरे धीरे आगे की ओर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरफ हम हैं वहाँ किनारे के पास समतल धरातल है जहाँ पर ये लोग अक्सर धूप में आकर और कुछ देर विश्राम करते हैं। शायद इसी क्रम में ये इस किनारे की तरफ बढ़ रहा है। आगे चलकर हमने देखा कि इस तरीके से ये लंगूर अपने गले की प्यास को बुझाने के लिए ये जो जल स्रोत में पानी एकत्रित है उसमें पानी पीने के लिए ये आया हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये कितने इत्मीनान से अपने हलक में पानी को
पानी की बूंदों को या पानी की को पीने के लिए किस प्रकार ये इसे उपयोग में ले रहा है। इसी प्रकार आगे हमें यहाँ जस्ट पता चला कि यहाँ टाइगर भी आसपास में ही कहीं पर है। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखा कि हमें यहाँ पर टाइगर के दीदार हुए हैं। ये बिल्कुल एक झाड़ी में विश्राम अवस्था में विश्राम कर रहा है और इसे देखकर बिल्कुल हमें हमारे इस सफर का एक तरीके से जो हमें रोमांचक नज़ारा यहाँ पर ये दिखाई दिया। आओ लौट चले गांव की ओर, प्रकृति की ओर। इस प्रकार हमारे सरिस्का में इन टाइगरों के संरक्षण के लिए हम लोग भी प्रयास करें और देखो किस प्रकार ये जो टाइगर है यहाँ विश्राम कर रहा है। हमें लगा कि इसे देखकर कि किस प्रकार ये जंगल में जब अपनी दहाड़ के साथ आगे बढ़ता है तो आसपास बिल्कुल सन्नाटा पसर सा जाता है। तो इसी प्रकार हम अगले रविवार फिर एक नई रोमांचिक और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो अगले रविवार फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक नई रोचक कहानी के साथ। गांववाणी स्टूडियो की टीम का प्रयास है कि इस प्रकार आओ लौट चले गांव की ओर, प्रकृति की ओर, जिसमें जो हमने ये कहानी आप लोगों के साथ साझा की। तो चलिए हम भी इन वन्य जीवों के संरक्षण में अपना योगदान निभाएं और वनों को संरक्षित रखने के साथ साथ साफ और सुथरा रखें। जैसे कि सरिस्का टीम के साथ स्वच्छारण्य अभियान के तहत भी इस पूरे के पूरे सरिस्का अभ्यारण को स्वच्छ करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, जिसका पांचवा चरण अभी हाल ही में पूरा किया गया है, जो कि पूरी सरिस्का टीम के माध्यम से लगातार प्रयास करके इसे और पांचवें चरण तक पहुंचाया गया है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले रविवार, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।